மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு நர்சரி பிளான்ஸ்ல இருக்கோம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா மகேஷ் அவங்க இருக்காங்க. அவங்க நம்ம இங்க எப்படி ஐனா எப்படி நடக்குது நர்சரி பிளான்ஸ் ஐனா சொல்லி மகேஷ் இன்டர்வியூ இருக்காங்க. சோ நீங்க பாக்கலாம். कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे जैसे कस्टमर आता है उस हिसाब से ये हमारा जो भी होता है इनकम वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर. इनका देखो आपका 5,000-10,000 5,000-10,000 ये जाल सब कैसे आप लोग लगाते हैं, कैसा ये जाल लगाता है? इसका कुछ नहीं, मेंटेनेंस होता है. जैसे अगर कोई घर बुलाना चाहता है मेंटेनेंस के लिए तो उधर गार्डनिंग भी करते हैं, घर भी आपका जैसे रिपोर्टिंग होता है वो सभी करते हैं. ये कट करके रखता है क्या? नहीं, ये आप लोग ये बीजा डालता है? हम सेलिंग करके लाते हैं, मार्केटिंग डेली सेलिंग. आपका जैसे वोवन क्रीपर हो गया, जो आउटडोर प्लांट होता है, फ्लावर आता है परमानेंट, इस पर आता जाता रहता है. अच्छा, ये रोजी हो गया आपका. अच्छा, ये रोजी हो गया आपका 80 रुपीज आता है. वैसे उधर हाइबिस्कस हो गया उधर. नहीं, ये तो कट करके रखेंगे तो आएगा. कटिंग करके नॉर्मल आ जाएगा, कटिंग करके आप कटिंग भी लगा सकते हो. उसमें मट्टी डालना, अंदर क्या क्या डालना? वो वर्मी कम्पोस्ट होता है, DAP होता है, फर्टिलाइजर होता है, यही डालता है. सब डालना, डालेंगे तो ये रखेंगे तो आता है. अच्छा आता है. नहीं, एक एक लोग क्या करते हैं, कट करके केला रखते हैं और आनी डालता है. उससे थोड़ा ग्लीज होता है, गंदगी होता है और कुछ नहीं. अगर वर्मी कम्पोस्ट है, DAP डालोगे उससे अच्छा ग्रोथ होगा. अच्छा, ये क्या उसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर डालना, वो डालना. प्लांट हेल्दी के लिए होता है वो. अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा होता है. अच्छा, बड़ा ग्रो भी होगा आपका फ्लावर. एक दिन में को एक दिन पानी डालना, दो दिन टाइम दम डालना. ये ऐसा होता है, अगर सनलाइट ज़्यादा आता है तो डेली पानी देना होगा, अगर सनलाइट कम आता है तो दो दिन में ही पानी देना. दो बार भी करता. ये भी ऐसे चाहिए ना? ये भी लकड़ी रखना है, ये भी कटिंग से कटिंग करेंगे. हाँ, सेम प्रोसेसर होता है, जैसे रोज होता है ये भी होता है इसका. उसको भी उतना से पानी देख जाने डेली देना होता है. डेली देना पानी और मट्टी डालना और वो भी यार आपका नेचुरल जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो देना होता है. अच्छा, वो भी है, इसको भी आता है वो अपने आप. अच्छा आता है, अच्छा आता है. हाँ, प्लांट भी हेल्दी आएगा. सुखा नहीं होता, नहीं सूख जाता. नहीं, इसमें दो वेरायटी आता है, एक देसी आता है, एक हाइबिस्कस आता है, वो हाइब्रिड. अच्छा. दो रहता है आपका प्रॉपर. अच्छा, इसे पानी भी वीकली वन डे देना होता है, सेम प्रोसेसर होता है, मंथली दो बार फर्टिलाइजर देना होता है. अच्छा, रबड़ प्लांट है इसका नाम. अच्छा प्लांट होता है, इंडोर. पानी भी वीकली वन डे देना होता है खाली, और कुछ नहीं. जैसे कि ये आपका चाइनीज डॉल है, ये भी प्रॉपर इंडोर आता है. अच्छा, इसे भी पानी 10 दिन में या वीकली वन डे देना होता है. इसको पॉट बड़ा रखना है. हाँ, अगर आपको प्लांट हेल्दी रखना है तो बड़ा पॉट करना पड़ेगा. अच्छा. हाँ, अगर छोटा रखना है तो छोटे पोट में रख सकते हो. जैसे इसका छोटा प्लांट है ये, इसका चाइनीज डॉल प्रॉपर इंडोर आता है, आउटडोर भी रख सकते हो. अच्छा, पानी वही सेम. अच्छा, ये साइनिंग है. अच्छा है ना? हाँ, साइनिंग है इसका. प्लास्टिक जैसा. ये आपका पीस लिली हो गया, ये भी इंडोर आता है, इस पे व्हाइट कलर का फ्लावर आता है. अच्छा, इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हो. हाँ, फ्लावर इसका परमानेंट ही आता है, सेम प्रोसेसर. ये सभी वैसे इंडोर प्लांट है आपका. अच्छा, हाँ, लो मेंटेनेंस है सभी का. अच्छा, इसको पानी रोज डालना? पानी डेली नहीं देना, वीकली वन डे, हफ्ते में एक बार दे सकते हो. अच्छा, हाँ, ये आपका पेड्रा होगा, ये समी शेड आता है, इंडोर नहीं आता. अच्छा, हाँ, ये आपको थोड़ा लाइट हवा चाहिए ऐसे दोनों. अच्छा, अगर इंडोर रखोगे तो लीव गिरने का चांसेस रहता है. अच्छा, और नहीं, थोड़ा लाइट चाहिए, लाइट हॉल में रख सकते हो इसे. अच्छा, हाँ, ये आपका सिंगोनियम है, ये प्रॉपर इंडोर आता है. ये आपका टेबल पाम होगा, ये भी प्रॉपर इंडोर है आपका. अच्छा, जैसे कि ये आपका मरंटा, ये आपका मरंटा, ये भी इंडोर ही आता है.
पानी भी वीकली वन डे या 10 दिन में एक दिन दे सकते हो। इसका फर्टिलाइजर वो ही वर्मी वो वर्मी कम्पोस्ट DAP होता है वही डालना होता है। हाँ फर्टिलाइजर जो कीड़ा होता है इसके लिए लिक्विड आता है एक लीथल वो स्प्रे करना होता है इस पर मंथली 2 बार। हाँ या एक बार भी कर सकते हो इंडोर को चांसेस कम होते हैं। हाँ ये आपका रसीना है सेम प्रोसीजर ये थोड़ा समी सेट आता है। हाँ इसे लवा वो लाइट हवा मिलेगा रसीना हवा लाइट मिलेगा तो अच्छा रहेगा ये। ये क्या है? ये आपका बैम्बो बैम्बो ट्रिपिंग। अच्छा हाँ इंडोर प्लांट है प्रॉपर। इसको पानी नहीं डालना ना? पानी डालना होता है थोड़ा 10 दिन में एक बार। हाँ इंडोर प्लांट को सभी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में पानी एक बार। ज्यादा पानी दोगे तो वो गलने का चांसेस होता है इंडोर को। बैम्बो को पानी डालना नहीं बोल रहा ना? नहीं पानी किस ऐसा कोई सा प्लांट नहीं जिसे पानी नहीं डालना होता सभी को डालना होता है थोड़ा थोड़ा ही डालना होता है इंडोर को। हाँ इंडोर को थोड़ा कमी पानी ज्यादा नहीं कमी देना होता है बस ऐसा नहीं ज्यादा देना जो आउटडोर का होता है उसे ज्यादा देना होता है। घर में रखेगा होता है? हाँ घर में अच्छा रहता है। हाँ प्लांट घर के लिए बहुत अच्छा है ये। और ग्रीन कलर आता ना वो भी इसमें भी। हाँ 2 वेराइटी आता है एक ये बेम्बो येल्लो वाला है ग्रीन वाला उधर है आपका दिस वन। हाँ ये आपका ग्रीन है दोनों प्रॉपर इंडोर है। सनलाइट नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा वो। हाँ इंडोर चलेगा प्रॉपर। अच्छा ये पत्ता ये ब्रोकन हार्ट है ये। अच्छा इसका पत्ता ऐसे आता है थोड़ा कटा कटा ये। हाँ क्रीपर आता है जैसे क्रीपर होता है ना मॉस्टिक लगा के उसे राउंड करके क्रीपर बनाया जाता है। अच्छा ये आप लोग बनाते हैं क्या या ऐसा अपने आप आता है? नहीं अपने आप ही आता है वो हम नहीं बनाते वो ग्रोथ ही ऐसे होता है इसका कटिंग। हाँ अपना आप कीड़ा काटता वैसा हवा है। हाँ हाँ ये आधा ही ऐसा प्लांट है ये। अच्छा ये आपका टिफिन है ये भी आपका इंडोर होता है। टिफिन होगा इधर कलातिया होगा तो इसका कलातिया है इसका टिफिन नाम है। अच्छा दोनों इंडोर है प्रॉपर। अच्छा। वही प्रोसेस पानी वाला वीकली वन डे। ये सब घर में नहीं रखना बाहर रखना? नहीं इंडोर का ही है ये सभी जितना भी है इंडोर रख सकते हो ऑल प्लांट। हाँ ये भी कलातिया है आपका समी शेड आता है ये इंडोर भी रख सकते हो प्रॉपर। अगर इंडोर रखोगे तो पानी वीकली वन डे अगर समी आउटडोर रखोगे तो पानी थोड़ा ज़्यादा देना होगा। हाँ हॉल में बहुत अच्छा चलेगा आपका। ये बैम्बो है आपका ये आउटडोर होता है इंडोर नहीं आता ये। ये बड़ा होता है क्या? ये काफी हाइट होता है इसका। घर में रखता कोई छोटा है? इंडोर नहीं चलता ये आउटडोर ही चलता है ये। इंडोर रखोगे मर जाएगा। पानी डेली देना होगा इसे। हाँ फर्टिलाइजर वही सेम वर्मी कम्पोस्ट DAP होता है। एक ये आता है आपका जी इंडोर प्लांट प्रॉपर जी जेड बोलते हैं इसे। हाँ प्रॉपर इंडोर आता है जी भी बोलते हैं जेड भी बोलते हैं। इसको भी पानी रोज डालना? इसको डेली नहीं देना 10 दिन में या 15 दिन में एक बार देना होता है बस। हाँ 10 या 15 दिन में। एक आपका क्या नाम इसका? बर्ड ऑफ पैराडाइज। हाँ प्रॉपर इंडोर आएगा ये इसे भी पानी 10 या 15 दिन में देना होता है एक बार। ये आता है आपका एंथोरियम। ये भी इंडोर प्लांट होता है आपका प्रॉपर। पानी रोज नहीं डालना इसको ना? नहीं ये से 4-5 दिन में पानी देना होता है समी सेड आता है प्रॉपर इंडोर नहीं आएगा ये। अच्छा। अगर आप प्रॉपर इंडोर रखोगे जो इसका लीफ होता है एक एक करके गिरता रहेगा इसका पानी। हाँ इंडोर रखोगे तो भी थोड़ा समी सेड रखोगे अच्छा आएगा। हाँ ये सो के लिए ये स्नेक प्लांट है मैम। इंडोर इंडोर आउटडोर दोनों आता है। नाम क्या है? स्नेक। हाँ इंडोर आउटडोर दोनों इसमें येलो भी आता है कलर ग्रीन भी आता है वाइट भी आता है। येलो वो रहा आपका। अच्छा येलो वाइट ग्रीन तीनों मिलेगा। ये एंथोरियम इंडोर प्लांट है ये फ्लावर में। क्या नाम क्या है? एंथोरियम। एंथोरियम हाँ जी पानी है वीकली वन डे। हाँ ड्राई होता है तो ही देना इसे। हाँ
एक इंडोर में फ्लावर में एंथोरियम आता है, एक आपका पीस ले लिया, एक ऑर्किड, तीन प्लांट आते हैं। नहीं दवाई से नहीं जरूरत, इसे कोकोपीट में खाली फिल करना होता है। वो ये सेकुलेंट आपका, सेकुलेंटो का कैक्टस होगा, जेबरा होगा, ये सभी समी सेड आता है, समी सेड इंडोर दोनों आता है। अच्छा, इसको भी पानी रोज डालना? नहीं रोज नहीं डालना, इसे छोटे प्लांट को कभी कभी पानी देना, अगर ड्राई होता है तो ही देना, वरना नहीं। ये हमारे घर में भी है, ये प्लांट काफी अच्छा होता है, जेबरा इंडोर रख सकते हो, पानी भी वीकली वन डे दे दिया, 10 दिन में दे दिया, 8 दिन में, 9 दिन, जब मन करा जब दे दिया, थोड़ा सा ही। अच्छा, ये आपका बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई सुपर है। अच्छा, समी सेड आता है, प्रॉपर इंडोर रखोगे नहीं आएगा, आउटडोर रख सकते हो या समी सेड। अच्छा, बहुत इसका मेंटेनेंस भी सेम है, पानी ड्राई होता है तो देना, वरना नहीं। वो क्या है? ये जै, वो जेड है, जेड आउटडोर डेली देना होता है पानी से। हाँ, अगर ड्राई होता है तो देना, वरना नहीं देना। हाँ, बारिश में सर रख सकते हैं? हाँ, बारिश में रख सकते हो, परवाह नहीं। जो बोलते हैं, हाँ, इंडोर आता है ये भी प्रॉपर आपका, 15 दिन में 10 दिन में एक बार पानी देना होगा। आप लोग अच्छा, हाँ सभी अच्छा रहते हैं, हाँ मेंटेनेंस डेली करते हैं इधर का। अच्छा, आपका सेल्स सब अच्छा होएगा।